सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दी खास खबरों की खास बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। अज 1 अक्तूबर है, दिन शनिचरवार है। नानकशाही संमत 554 के मुताबिक अज 15 अस्सू हो गया। खबरों के इस खास बुलेटिन के विच तुहानू सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दसदे आं। पंजाब दे विच अज तो झोने की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। नवी सरकार दे लई झोने की खरीद एक प्रीख्या होगी ते चुनौतियां दा सामना भी करना पै सकदा है। हालांकि पंजाब सरकार ने 187 लाख मीट्रिक टन झोने की सरकारी खरीद के प्रबंध मुकम्मल करन दा दावा किया है। केंद्र सरकार ने भी पंजाब नूं झोने की खरीद लई 36,999 करोड़ रुपये की CCL जारी कर दी है। बाकी रहिंदी जिहड़ी रकम है 7500 करोड़ रुपये, वह नवंबर महीने दे विच जारी हो जाएगी। हालांकि पिछले हफ्ते पंजाब दे विच लगातार पए भरवें मीह के कारण कई थावां ते झोने की फसल नूं नुकसान पहुंचा है, पर फिर भी पंजाब सरकार नूं सूबे च ऐतकी बंपर फसल होने की उम्मीद है ते करीब 200 लाख मीट्रिक टन की पैदावार का अनुमान लाया जा रहा है। बेमौसमी मीह करके झोने की फसल ते चीनी वायरस दे हमले करके झाड़ प्रभावित होने का खदशा है, पर खेती माहिरां ने 1% तो वध झाड़ घटन का खदशा जताया है। यानी कि किसान वड्डा नुकसान होने तो बच गए ने। हालांकि खेती महकमे के वेरवे मुताबिक पंजाब दे विच पए बेमौसमी मीह करके हाल ही झोने हेठला लगभग 3.5 लाख एकड़ रकबा प्रभावित होया। पंजाब मंडी बोर्ड ने खरीद केंद्रां दे विच सारे इंतजामां नूं अंतिम छोहां दे दित्तियां ने। खुराक ते सिविल सप्लाई महकमे का दावा है कि चौल मिलां दी अलाटमेंट का काम मुकम्मल कर लिया गया। केंद्र सरकार ने ऐतकी झोने का घट्टो घट समर्थन मुल 2040 रुपये प्रति क्विंटल मिथ्या है। तो पिछले हफ्ते पए मीह करके ऐतकी झोने की फसल है जिहड़ी मंडियां दे विच थोड़ा पछड़ के जरूर आ सकती है। हफ्ते बाद सीजन है जिहड़ा जोर फड़ सकता है। अज कड़िया मंडियां दे विच झोना आऊगा, ये शाम दी खबर तक आपां नूं थोड़ा बहुत पता लग जूगा। हालांकि खन्ना, राजपुरा ते संगरूर दे कुछ खरीद केंद्रां दे विच फसल दी आमद शुरू भी हो चुकी है। किसानां नूं ऐतकी पूरा पूरा खदशा है कि झोने दी फसल दे विच नमी दी मात्रा आ सकती है। वाधू मीह पिया सी, इस करके नमी दी मात्रा जरूर वध सकती है, जिस नूं लै के भारतीय खुराक निगम ऐतकी भी डिक्के डा सकदा है। सो जिथे अज पंजाब दे विच झोने की खरीद शुरू हो रही है, उत्थे यह भी पता लग्या कि सरकार हुण किसान धिरां दे नाल तालमेल दे रौं दे विच है। पंजाब सरकार ने फैसला लिया कि पराली के प्रदूषण नूं रोकण दे लई किसान धिरां तों सहयोग मंगिया जाएगा तां जो पंजाब दे वातावरण नूं पलीत होण तों बचाया जा सके। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 6 अक्तूबर नूं किसान यूनियनां दे लीडरां दी मीटिंग भी बुला ली है तां जो पराली प्रबंधन नूं लैके सरकारी ते गैर सरकारी तौर ते सांझी रणनीति बनाई जा सके। खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल भी वारी वारी किसानां नूं इह भरोसा दवा रहे ने कि पंजाब सरकार झोने दे दाणे दाणे दी खरीद ते चुकाई जिथे करेगी उत्थे ही पराली प्रबंधन दे लई भी किसानां दा खास सहयोग करेगी। मंत्री ने कहा कि झोने की समय सिर खरीद ते चुकाई दे लई भी निर्देश जारी किए ने अते मंडी बोर्ड के अधिकारियों नूं किसानां दे लई दाणा मंडियां दे विच लाइटां, पीने वाला पानी, साफ सफाई, पखाने आदि प्रबंध करने के निर्देश भी जारी कर दिए ने। दूजे पासे भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां दे वल्लों पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोठी घेरन का ऐलान कर दिता गया। 9 अक्तूबर तो किसानां दे वल्लों संगरूर दे विच मुख्यमंत्री की कोठी के मूहरे अणमिथे समय का पक्का मोर्चा लाया जाएगा। किसान लीडरां दा इतराज है कि पंजाब सरकार किसानां मजदूरां ते किरतियां दीआं भखदीआं मंगां ते पूरी तरह दे नाल चुप है ते कई दिनां तों चुप है। इसे तरह परसों नूं लखीमपुर खीरी किसान शहादत दिवस दे मौके ते संयुक्त किसान मोर्चे दे सद्दे ते पिंड पद्धर तो तहसील पद्धर अते जिला केंद्रां ते किसानां दे वल्लों रोस मुजाहरे कीते जाणगे। केंद्र सरकार दे पुतले फूके जाणगे। मंग कीती जाएगी कि लखीमपुर खीरी कतलकांड दे विच छेती इंसाफ दित्ता जावे। पूरा 1 साल कतलकांड नूं बीत जाएगा। इसे संबंध विच अज संयुक्त किसान मोर्चे ने हंगामी बैठक भी बुलाई है। मोर्चे दे लीडर गुरुद्वारा टालियाणा साहिब रायकोट विखे 11 बजे बैठक करनगे। कल संयुक्त किसान मोर्चे की अगवाई दे विच पंजाब दीआं वख-वख थावां ते चक्का जाम भी किया गया। इस राही भी किसानां ने पंजाब सरकार अते भारत सरकार तक आवाज़ पहुँचाउण दी कोशिश कीती है कि साडीआं मंगां पूरीआं करो। पंजाब विधानसभा का सैशन चल रहा है, अज ते कल नूं छुट्टी रहेगी। सोमवार नूं मुड़ विधानसभा की बैठक जुड़ेगी ते कल रौले रप्पे दे दरमियान ही आपसी सर्वसम्मति दे नाल पंजाब विजिलेंस कमिशन भंग करन समेत 3 बिल विधानसभा ने मंजूर कर ले ने, सर्वसम्मति दे नाल पास हो गए ने। कांग्रेस पार्टी पूरा समा रौला रप्पा करती रही है ते कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी नूं कैबिनेट दे विचों कढ के गिरफ्तार करन दी मंग दे नारे गूंजते रहे।
ते पूरी पूरी संभावना है कि परसों का जिहड़ा सैशन है, परसों का लास्ट दिन बचा है सैशन का, उस दिन भी हंगामा ही किया जाऊगा। तो सैशन खत्म होने की देरी है, बस आम आदमी पार्टी के विधायक अते मंत्री गुजरात चोणा दे विच जाके प्रचार करनगे। इजलास खत्म होने तो बाद इस सारे आम आदमी पार्टी दी लीडर गुजरात वाल नू चाले पा देंगे। पता लग्या कि पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अज गुजरात वाल नू जा रहे ने। लगातार दो दिन गुजरात दे विच रहणगे अते उत्थों दे किसानां दे नाल भी मीटिंग करनगे। जानकारी मिली है कि राज्यसभा मैंबर ते आम आदमी पार्टी दे सीनियर लीडर संदीप पाठक ने एक दिन पहलां पंजाब दे सारे आम आदमी पार्टी दे विधायकां ते वज़ीरां दे नाल वर्चुअल मीटिंग कीती है। गुजरात चोणां दे विच ड्यूटियां ला दित्तियां ने ते हुण तक 2 दर्जन दे करीब पंजाबी विधायक गुजरात दा गेड़ा कढ भी चुके ने। दरअसल आम आदमी पार्टी के वलों गुजरात के पंजाब पिंडां दे कलस्टर बनाए गए ने। हरेक कलस्टर दा जिम्मा आम आदमी पार्टी के विधायक ते वजीर नूं दित्ता जाना है। पार्टी के वलों स्पष्ट हदायत है कि पंजाब के विधायक अते वजीर गुजरात दे विच रुकण दौरान सारा खर्चा पल्ल्यों करनगे। रिहायश ते गड्डियां दा खर्च पंजाब के विधायक ते वजीर खुद करनगे। पार्टी वालों कोई फंड नहीं दिता जाऊगा, पर जाना भी जरूर है। दरअसल गुजरात समेत हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चोणा दसंबर के हो मध्य अक्तूबर के इत्थे चोण जाबता लगन की संभावना है। तो आम आदमी पार्टी के पंजाब के विधायकों वजीरों के लिए स्थिति जरूर औखी बन जूगी, क्योंकि पार्टी ने हुक्म चाड़ दिता है कि खर्चा तुसी पल्ल्यों करोगे। कई विधायकों ने तो कह भी दिता कि तनखाह के नाल पहले ही गुजारा करना औखा होया पिया, उत्तों गुजरात के गेड़े लवाए जाणगे। हालांकि खुल के कोई भी विधायक पार्टी हाईकमांड बारे बोलन नूं तैयार नहीं है, पर अंदर खाते बोल ही पैंदे ने। अंदरों अंदर ही तो विधायक के वजीर गुजरात नहीं जाना चाहते होणगे, पर जाना पऊगा। ते कानून के मुताबिक तकनीकी तौर पर भी विधायक ते वजीर पंजाब चो सरकारी गड्डियां गुजरात नहीं ले जा सकणगे। ते जे किसी विधायक जां वजीर ने भुल भुलेखे सरकारी गड्डी वरत भी ली तां विरोधी तरह इस नूं वड्डा मुद्दा बना सकदियां ने। भारत के कौमी कांग्रेस प्रधान की चोण दे विच मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दे विचाले मुकाबला होगा। दोवां ने नामजदगियां दाखिल कर दित्तियां ने। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरां दे विच 0.5% का वाधा कर दिता है, यानी कि 0.5% का। हुण होम लोन, ऑटो लोन ते होर कर्ज़ियां दियां महीनावार किश्तां वध जाणगियां। जिन्हां ने भी कर्जे लए होणे ने उन्हां नूं हुण वध किश्तां देणियां पैणगियां। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हरियाणा सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी बनाउण दे खिलाफ संघर्ष विढ़न दा ऐलान कर दिता है। श्रोमणी कमेटी दे वल्लों सुप्रीम कोर्ट नूं फैसले ते मुड़ विचारण दे लई 5 मैंबरी बैंच कायम करन दी वी अपील कीती गई है। श्रोमणी कमेटी दे वल्लों हुण रोस मार्च कढ़े जाणगे। 4 अक्तूबर नूं सचखंड श्री दरबार साहिब तों रोस मार्च कढ़िया जाएगा। 7 अक्तूबर नूं तख्त श्री दमदमा साहिब ते तख्त श्री केसगढ़ साहिब तों श्री अकाल तख्त साहिब वल वड्डे रोस मार्च कढ़े जाणगे। सारे लोकां इन्हां दे विच शामिल होने की अपील की है। श्रोमणी अकाली दल ने SGPC वालों कढ़े जाने वाले मार्च का समर्थन किया है, ते लोगों नूं भी वध चढ़ के इस मार्च दे विच हिस्सा लैण की अपील की है। पंजाब सरकार ने 2 महीनों की लंबी उड़ीक तो बाद आखिरकार डॉक्टर गुरप्रीत सिंह बांदर, जिहड़े कि दिल के रोगों के माहिर ने, उन्हां नूं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का नवा वाइस चांसलर नियुक्त कर दिता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने खुद इसकी जानकारी दिती है। इस साल जुलाई महीने के यूनिवर्सिटी के VC डॉक्टर राज बहादुर ने सेहत मंत्री चेतन सिंह जौड़ेमाजरा तो नाराज़ होकर अपना अस्तीफा दे दिता सी। अस्तीफा मंजूर होने तो बाद डायरैक्टर सिक्ख्या ते मेडिकल खोज विभाग पंजाब ने यूनिवर्सिटी लई नवा वाइस चांसलर नियुक्त करने की कार्रवाई आरंभ दी सी। कई डॉक्टर ने अर्जियां भेजिया सन ते पंजाब सरकार ने आखिरकार डॉक्टर गुरप्रीत सिंह नूं चुन लिया है। अमरीका दे विच छेती ही H-1B वीज़ा दे बिल ते मोहर लग सकती है। राष्ट्रपति जो बाइडन की हामी की उड़ीक है। इस तो बाद अमरीका दे विच 80 लाख लोगों को ग्रीन कार्ड मिल जूगा। एयर इंडिया आउंदे 3 महीनों के बर्मिंगम, लंडन ते सैन फ्रांसिस्को के लिए भी वाधू हफ्तावरी उड़ाना शुरू करेगी। हफ्ते दे विच 5 वाधू उड़ाना बर्मिंगम, 9 लंडन अते 6 सैन फ्रांसिस्को के लिए चलनगियां। गाहकों नूं हर हफ्ते 5,000 तो वध वधीक सीटां की पेशकश की जाएगी। एयरलाइन की इस पेशकदमी के नाल एयर इंडिया दियां हर हफ्ते UK जांदियां 34 उड़ाणा की गिणती वध के 48 हो जाएगी। बर्मिंगम तो जांदियां 5 उड़ाणा दे विचों 3 दिल्ली तो ते 2 अमृतसर तो चलनगियां। लंडन दे लई उड़ारी भरन वालियां 9 वाधू फ्लाइटां दे विचों 5 मुंबई, 3 दिल्ली ते 1 अहमदाबाद तो होवेगी। इस दे नाल ही भारत दे 7 शहरां तो UK दी राजधानी दे लई हुण एयर इंडिया दियां नॉन स्टॉप उड़ाणा चलनगियां। अमरीका जाण वालियां उड़ाणा की गिणती भी 34 तो वध के 40 हो जूगी। पंजाब दे विच वारिस पंजाब दे जथेबंदी दे नौजवान लीडर अमृतपाल सिंह दियां सरगर्मियां वधण तो बाद
कई सियासी पार्टियां नूं तकलीफ हो रही है, जिथे कांग्रेस के लीडर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अमृतपाल सिंह की जांच की मांग की है, उत्थे ही बीजेपी के लीडर ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनने तो बाद वक्खवादी ताकत मुड़ सूबे दे विच सरगर्म हो गई ने, पंजाब दी अमन शांति ते भाईचारक सांझ दे लई एक खतरा हो सकदियां ने। बीजेपी लीडर सुनील जाखड़ ने इस मुद्दे ते मुख्यमंत्री नूं अपना स्टैंड स्पष्ट करन दे लई कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कौमी सुरक्षा के मद्देनज़र पंजाब च वध रहे गैंगस्टर कल्चर नूं भी सख्ती दे नाल रोकिया जाना चाहिए। पठानकोट के सिविल हस्पताल के वरांडे विच फर्श ते बच्चे नूं जन्म देण वाली औरत दा मसला भख गया है। बीजेपी के सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा ने औरत दे नाल उसके घर जाके मुलाकात की ते कहा कि पठानकोट के विधायक होने के नाते वह इस घटना के बहुत शर्मिंदा ने। इस दौरान घटना का नोटिस लेंदिया कौमी अनुसूचित जाति कमिशन के चेयरमैन विजय सांपला ने जिला के हस्पताल अधिकारियों नूं नोटिस जारी करके 7 दिनों के विच रिपोर्ट मांग ली है। दरअसल हस्पताल के अमले ने बीते दिन एक औरत का जनेपा करवाने तो ना कर दिती सी, उस औरत ने हस्पताल के वरांडे विच ही बच्ची नूं जन्म दे दिता। हालांकि हुण किरकिरी होण तो बाद सिविल सर्जन डॉक्टर अदिति सलारिया ने कमेटी बना के जांच के हुक्म दे दिते ने। पटियाला तो खबर है वजीफा राशि मामले के नाल जुड़ी हुई खबर है, जिथे गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन गोपालपुर के अनुसूचित जाति नाल संबंधित 70 बच्चों चैक बाउंस होने के नोटिस जारी कर दिए गए ने। कॉलेज ने विद्यार्थियों की एससी स्कॉलरशिप ना आने करके हुण बच्चों तो ही फीस वसूलन का राह अख्तियार किया है, जिस तो बाद कॉलेज के विद्यार्थियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री के नाम आम आदमी पार्टी के एससी विंग के सूबा प्रधान अमरीक सिंह बंगड़ नूं मंग पत्र दिता है। मंग पत्र दिंदे विद्यार्थियों ने कहा कि उन्होंने फीस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम तहत तो पंजाब सरकार के विशेष विभाग वालों अदा की जानी सी, जो हाले तक अदा नहीं की गई, तो हुण कॉलेज ने उन्होंने ही नोटिस जारी कर दिता है। तो जदों तक फीस नहीं भरी जाती उदों तक इन्हों डिग्रियां जां फिर सर्टिफिकेट नहीं मिलणगे, रोक लए गए ने। कॉलेज प्रबंधकों का कहना है कि विद्यार्थियों ने फीस नहीं भरी है, इस करके उन्होंने नोटिस भेजे गए ने। कॉलेज नूं तां फीस चाहिए है, भावें बच्चे देण जां फिर सरकार देवे। पंजाब दे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजां दी गल कर लईए तां इत्थे सहायक प्रोफेसर दिहाड़ीदार बने पए ने। प्रोफेसरां दा हाल इस कदर माड़ा कीता पिया कि उन्हां नूं ना तां पूरी तनखाह मिलदी है ना ही पढ़ाउण दा कोई तजर्बा मिलदा है, इत्थों तक कि छुट्टी वाले दिन की तनखाह भी नहीं मिलती। पंजाब च इस वेले कुल 3 दर्जन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ने जिन्हां दे विच सैकड़े सहायक प्रोफेसर वरियां तों पढ़ा रहे ने। पक्का होना तां दूर दी गल, इन्हां नूं तनखाह देण खातर भी तरसाया जांदा है। पंजाब सरकार दे वल्लों सीधे तौर ते इन्हां कॉलेजां नूं कोई फंड नहीं दिता जांदा, बल्कि यूनिवर्सिटियां नूं इन्हां कॉलेजां दे लई सालाना 1.5 करोड़ रुपये की ग्रांट जरूर दिती जांदी है। हाल इत्थों तक माड़ा होया पिया कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी नाल जुड़े कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजां दे सहायक प्रोफेसरां मुताबिक उन्हां नूं बजवीं तनखाह की थां प्रति लैक्चर के हिसाब नाल तनखाह दिती जांदी है, यानी कि प्रोफेसर हुण दिहाड़ीदार बन चुके ने। इस मसले ते पंजाब दे कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीथियर ने कहा कि अध्यापकां दीआं मुश्किलां ते गौर कीता जाऊगा। पंजाब दीआं होर खबरां विस्तार च दसण तों पहलां तुहानूं विधान सभा तों आई एक होर खबर तुहानूं दस दिंदे आं। कल सिफर काल दे विच विरोधी धिरां दे जिहड़े विधायक ने उन्हां ने भी सवाल जवाब कीते, ते सिफर काल दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह पंडोरी ने SGPC दीआं आम चोणां कराए जाण दे लई विधानसभा च मता लिआउण दी मंग की। हाकम धिर दे विधायक ने कहा कि SGPC दे मामले विच जेकर पड़ताल कराई जाए तो वड्डे घोटाले उजागर हो सकते हैं। श्रोमणी कमेटी दीआं चोणां नूं होइआं कहिंदे 11 साल का समा बीत गया, हुण चोणां करवाईआं जाणीआं चाहीदीआं ने। लहरा गागा तो विधायक वरिंदर कुमार गोयल ने घग्गर की मार का मुद्दा चुकदिआं कहा कि इस दरिया की मार तों लोकां नूं बचाउण लई पक्का बंदोबस्त किया जाना चाहीदा। विधानसभा की कार्रवाई तो बाद खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कुदरती करोपी नाल होईयां हर तरह दीआं फसलां दे नुकसान दा जायजा लैण लई विशेष गुरदौरी दे हुक्म दे दित्ते ने, ते रिपोर्ट आउण ते प्रभावित किसानां नूं मुआवजा दित्ते जाण दा ऐलान कीता है। कल सिफर काल दे विच कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने वारी वारी बोलण दा समां मंगिया, पर स्पीकर ने बोलण दी इजाजत नहीं दित्ती। जबकि स्पीकर ने कांग्रेस आम आदमी पार्टी ते श्रोमणी अकाली दल दे बाकी मैंबरां नूं तां नाम लै लै के गल करन दा सद्दा दित्ता, पर खैरा नूं लगातार नज़रअंदाज किया गया। इत्थों तक कि स्पीकर ने खैरा की झाड़चंब भी की। स्पीकर ने अकाली दल की विधायक अते बिक्रम सिंह मजीठिया की धर्मपत्नी गनीव कौर मजीठिया नूं भी बोलने का सद्दा दिता, पर गनीव कौर मजीठिया ने जां तां तैयारी नहीं की जां फिर बोलने की हिम्मत नहीं की। इशारियां दे विच ही दूसरे अकाली विधायक साथियों नूं समा देने की अपील कर दिती। स्पीकर ने कल अपनी ही पार्टी के विधायक देव मान की भी झाड़चंब की। दरअसल विरोधी धिर के लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने जदों स्पीकर नूं कहा कि सदन दे विच लाए गए कैमरे सिर्फ हाकम धिर दे मैंबरां नूं ही बोलदिआं दिखाउंदे ने, तां देवमान दे कांग्रेस दे मैंबरां खिलाफ एक अजिही तिखी टिप्पणी कर दित्ती जिस नूं सुणदिआं कांग्रेस दे तां मैंबरां ने तलख होणा ही होणा सी। स्पीकर दा पारा भी चढ़ गया,
संधवा ने देव मान नूं खिज के अपनी सीट ते बैठने का हुक्म दे दिता। इधर पंजाब दे विच जिथे SGPC अते अकाली दल दे वल्लों हरियाणे दी वक्री कमेटी नूं मानता दित्ते जांदे फैसले का विरोध किया जा रहा है, मार्च कटे जाणगे, उत्थे हरियाणा की जिहड़ी कमेटी आजाद हुई है सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां दे नाल, उन्हां दा आपसी रफड़ भी पिया पिया। पिछले समय दे विच हरियाणा कमेटी दे प्रधान बनाए गए बलजीत सिंह दादूवाल ने हुण कहा है कि जगदीश सिंह झींडा की याददाश्त गुआच गई है। पिछले दिन चंडीगढ़ दे विच असी कठिया ने मीटिंग की थी, जदों मैनूं प्रधान बनाया गया सी उदों झींडा ने भी वोटिंग दे विच हिस्सा लिया सी, पर हुण उह पलट पलट के बयान दे रहे ने। दादूवाल कालियावाली च पहुंचे हुए सी ते अनाज मंडी दे विच मार्केट कमेटी दे साबका वाइस चेयरमैन दे वल्लों बाजार दे विच एक समागम करवा के दादूवाल नूं सन्मानित किया गया। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच कुछ होर खास खबरां तुहानूं दस दिंदे आं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने लगातार चौथी बार रैपो रेट वधा दिता है। RBI दे गवर्नर शक्तिकांत दास ने रैपो रेट दे विच 50 आधार अंक वाधे दा ऐलान कीता जो कि तुरंत प्रभाव दे नाल लागू हो चुकिआ है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰੈਪੋ ਦਰ 5.90% ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ RBI ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। RBI ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 7% ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 4 ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡ੍ਰੀਮਰਸ, H-1B ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਚੋਖੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ 80 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ 3 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2022 ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਵੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਸੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ
ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2022 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ। ਚੇਅਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਵੀ ਆਹ 2 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। 2 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਦਨ ਸੋਮਵਾਰ ਮਿਤੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸਥਗਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਦਨ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਦ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਕੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਦਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁੜਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁੜਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2022 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁੜਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2022 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਪਗੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਪਗੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਵੇ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਥਕ ਰਾਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਕਸਾਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਰਡ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦਾ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾ ਸੋਚਿਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਘਾਤਕ ਇੱਕ ਬਣ ਜੂਗੀ ਚੁਣੌਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਇਹ RSS ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਰਦਾਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਲੁਕਵੇਂ ਹਮਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਪਣਾ ਪਊ। ਜੇ ਨਾ ਭਾਪਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ 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 ਹੌਲੀ
जिसले कहते बोरी नूं एक पासों रेता दी नूं खोर दिओ माड़ा जिहा चीरा देना पैंदा सारी खुर जांदी आ। इस करके आपां नूं इह सोचणा पऊ कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ये अपनी वचनबाधा तो पिछे हटी, जे पिछे हटी फिर इतिहास भाई करम सिंह का फिर इतिहास भाई प्रताप सिंह का नहीं बनना लोगों ने। SGPC के सबका प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल ते बीबी जगीर कौर भी पहुंचे हुए सन। लौंगोवाल ने संगत नूं लंबा समा संघर्ष करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा ते कहा कि असीं हर हाल श्रोमणी कमेटी के नाल डट के खड़ांगे। बीबी जगीर कौर ने कहा कि साडी शक्ति दे उत्ते साडी ताकत ते वार होया है। पिछलियां सरकारां वांग आम आदमी पार्टी ने भी SGPC दे हक विच हलफनामा दिता है। अपनी सिख शक्ति नूं बचाउण दे वास्ते सारा पंथ नूं इकट्ठा होण दा बहुत जरूरी है। असीं सारे डट के इन्हां दे नाल खड़ के और पहरे देवांगे ताकि सरकार नूं इस गल दा पता लग जावे कि सारी कौम इकट्ठी है। उहनूं आखिर नूं झुकना पैंदा, जदों कोई भी संघर्ष है जदों तकड़े होकर लड़ांगे आखिर नूं सरकार नूं झुकना पैणा ही पैणा। साडी कमी है ना, सिखां दी कमी है। सिख कित्थे आ इस वेले? तुसीं विश्व सिख सम्मेलन दी गल करदे हो, मैं तो कहनी जिहड़ियां पार्टियां साडे सिख बैठे है, कोई मंत्री बैठे है, कोई MP बैठे है, प्रधान साहब उन्होंने भी पूछो जाके बुला के कि तुम की चाहते हो श्रोमणी कमेटी टुट जाए? तुम चाहते हो श्रोमणी कमेटी के हिस्से हो जाए? सो मेरी बेनती है, मेरे हाथ जोड़ के तुम निमरता साहब बेनती कट्ठे होवो। सियासी लड़ाइया जो मर्जी लड़ो, जिथे मर्जी कोई रवे, लेकिन कम से कम श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी संस्था देख के रखो। इनू तना यद कतल तना करो, जितना ये वंडिया पदान का कतल, मर्यादा का कतल, इतों की गुरमत का कतल, यह सारा कुछ तुम जिम्मेवार होवोगे और असं भाईवाल होवे सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों हरियाणा सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट एक्ट 2014 नूं मानता देने का फैसला रद्द किया गया। सिख गुरद्वारा एक्ट 1925 के तहत पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश ते चंडीगढ़ के गुरुघरां का प्रबंध SGPC के कोल ही रहेगा। सिख गुरद्वारा एक्ट 1925 की किसी भी प्रकार की सोध का अधिकार केवल केंद्र सरकार कोल है, वह भी SGPC दे जनरल हाउस दी सिफारिशां दे नाल ही संभव है। इस करके यह फैसला गलत होया। हरियाणा दे सिख गुरुद्वारा दा प्रबंध सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 मुताबिक SGPC कोल है ते रहेगा। यह गल केंद्र ते हरियाणा सरकार नूं कहिंदे समझ लैनी चाहीदी है। सिख विरोधी ताकतां नूं चेतावनी दित्ती है कि सिख मसलियां दे विच दखल ना देण। पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश अते चंडीगढ़ दे इतिहासक गुरु घरां दा प्रबंध श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे पास सिख गुरद्वारा एक्ट 1925 की किसी भी किस्म की सोध का अधिकार केवल केंद्र सरकार पास है, तो वह भी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल हाउस दी सिफारिशों नाल ही संभव है। हाल ही विच हरियाणा सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट एक्ट 2014 सुप्रीम कोर्ट वालों मानता देने का फैसला सुनाया गया है। उसनों सिद्धांतक कानूनी नज़रिए तो प्रवान नहीं किया जा सकता। यह फैसला सिख गुरद्वारा एक्ट 1925 की मर्यादा के मीटिंग तो बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच SGPC प्रधान धामी ने 23 सितंबर नूं सारे पंथ नूं कट्ठे होण दी अपील कीती है ते सियासी पार्टियां नूं सिखां दे धार्मिक मसलियां दे विच दखल अंदाजी करन तों वरजिया। उन्हां कहा कि सुप्रीम कोर्ट दे फैसले नूं लै के रिव्यू पटीशन पाई जाएगी। 4 अक्तूबर नूं अमृतसर दे विच वड्डा पंथक इकट्ठ करके DC नूं मेमोरेंडम सौंपिया जाएगा। 7 अक्तूबर नूं संगत विच चेतना पैदा करन लई तख्त श्री अकाल तख्त साहिब अते श्री दमदमा साहिब तों पंथक रोस मार्च कढ़े जाणगे, जिहड़े श्री अकाल तख्त साहिब आ के अरदास करके समाप्त होणगे। धामी ने कहा कि जे SGPC हुण भी चुप रह गई तां पैप्सू मुड़ तो बन जाएगा। पैप्सू विच गुरुद्वारा साहिबाना दे गुंबद भी नहीं बन दिंदे सी, 58 फुट तो उच्चा निशान साहिब नहीं लगन दिंदे सी। एक मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर अमृतसर नूं दिता जाऊगा जिहदे विच मौजूदा समें दे विच जिस तर्ज दे उत्ते अज प्रचार किया जा रिहा कि इस धरती ते हर इक जिहड़ा मनुख जमया उह हिंदू आ ते ओ RSS दियां जेड़ियां चालां उन्हां नूं ठल पाउण लई ओ मेमोरेंडम श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे समुचे मैंबर साहिबान और नाल गुरु कीआं संगतां ओह जा के डिप्टी कमिश्नर नूं इत्थों तुरन गए श्री दरबार साहब तों अरदास करके ते उत्थे जा के इह मेमोरेंडम देणगे।
एसजीपीसी की इस बैठक का विरोधी धिर के एसजीपीसी मैंबरों ने बाइकॉट किया ते कहा कि जिहड़ा बादल परिवार हरियाणा के सिखां नूं श्रोमणी कमेटी तो दूर करन दा दोषी है उसे बादल परिवार के इशारे ते हुई जनरल हाउस की मीटिंग सिर्फ एक ड्रामा है। विरोधी धिर के श्रोमणी कमेटी के अंतरिंग कमेटी मैंबर भाई गुरप्रीत सिंह रंधावा ने कहा कि एसजीपीसी विच बादल विरोधी धिरां दे मैंबरां ने सांझे रूप दे विच इस मीटिंग दे विच शामिल ना होण दा फैसला लिया क्योंकि जनरल हाउस दे विच बोली जाण वाली ते पढ़ी जाण वाली स्क्रिप्ट सुखबीर बादल ने तैयार करके दिती है। हालांकि उन्होंने हरियाणा की वक्री कमेटी नूं सुप्रीम कोर्ट की मानता देने ते इतराज़ भी जताया। साडा ये पुछना श्रोमणी कमेटी नूं जिन्हें भी श्रोमणी कमेटी के प्रधान पहला रह चुके ने जिन्ना भी प्रबंध रह चुका इन्ने सालों के भी हरियाणा के सिखा बुला के इतने जनरल अजास क्यों नहीं किया उन्हां दियां मुश्किलां क्यों नहीं पुछिया कि तुहाडी मुश्किल की है उन्होंने क्यों नहीं दस्या कि साडे जे ये कमेटी बनती है ये नुकसान है। सो इसलिए ना पैरवाई जो कोर्ट केस थी उदों हुई तो हुण देखो किड्डी हासोहीणी गल है। तो यह कहा जा रहा जी कि असी श्रोमणी जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन्हें मानते नहीं पर दूजे पासे असी सुप्रीम कोर्ट दे विच ही जिहड़ी पटीशन जिहड़ी दाखिल करनी है। हरियाणा की वक्री कमेटी नूं सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों मानता दित्ते जाण नूं लैके श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों भी चंडीगढ़ दे विच पार्टी दफ्तर दे विच अकाली दल दे विधायकां साबका विधायकां अते जिलियां दे जिहड़े लीडर ने उन्हां दे नाल बैठक की गई। इस मुद्दे ते हुई बैठक तो बाद डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा पार्टी के सीनियर लीडर ने जानकारी दी कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वलों जिहड़े रोस मार्च कढ़न का ऐलान किया गया है। श्रोमणी अकाली दल उसका समर्थन करती है ते नाल ही उन्होंने सारे लोगों को अपील भी की है कि इन्हां रोस मार्चों के वध तो वध हिस्सा लिया जाए। नाल ही भाई बलवंत सिंह राजोआणा की रिहाई की मंग नूं लैके भी इस मीटिंग दे विच चर्चा की गई है। श्रोमणी अकाली दल ने दोष लाया है कि पंजाब सरकार ते हरियाणा सरकार ने सिखां दी इस प्रवानित संस्था नूं तोड़न की वड्डी साजिश की है और असी महसूस करते हैं कि हरियाणे के सिखा के नाल एक बहुत वड्डा एक धक्का है। पहला पंजाब की वंड करते समय जान बुझ के पंजाबी बोलते इलाके हरियाणे तो बाहर रख के हरियाणे के इन वीर के नाल उस वेले बहुत वड्डा धक्का किया गया इन्हों अपनी स्टेट तो बाहर किया गया। अज जी सिख कौम की सरमौर संस्था जिदे राही वो वड्डे तीर्थ स्थाना के प्रबंध के भागीदार सौ अज उहदे विचों भी उन्होंने एक साजिश तहत जिहड़ा वो बाहर कढ़िया गया जिहदी कि इस फैसले की जिहड़ी है सारे अज दे इस मीटिंग दे विच जिहड़ी है वो निखेधी की गई और असीं केंद्र सरकार नूं कहना चाहुंदे हां कि उन्हें सुत्या नहीं रहना चाहिए इहदे नाल बहुत वड्डी अनरेस्ट जिहड़ी है वो फैलेगी ज्यों ज्यों संगतां तक आवाज़ पहुँचेगी ये रोस वधेगा। भाई बलवंत सिंह राजोआणा दे मामले ते डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट दे विच जिहड़ा केस चल रहा है उन्हां दी फांसी दी सज़ा नूं उम्र कैद विच तब्दील करन दा उस मसले ते जवाब दिंदिया केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई राजोआणा दी रिहाई कारण सुरक्षा नूं वड्डा खतरा पैदा हो सकदा है इस लई रिहा नहीं कीता गया। इस ते डॉक्टर चीमा ने कहा कि यह कोई इंसाफ नहीं है दुगनी सज़ा उह भुगत चुके ने तां फिर सुरक्षा दा मसला कित्थों आ गया। रिहा हो सकते हैं इन्हें अपनी जिनी सज़ा किसी ने कट्टी है उस तो दुगनी कट के भी कोई रिहा नहीं हो सकता एक कितने का कानून है जिस बंदे का किसी पास संपर्क ही नहीं है 27 साल तो तुम उन्होंने परोल नहीं देते घर नहीं एक दिन जान देते कितने होर नहीं जान देते 27 साल तो 30 साल तुहाडे कोल ने मालवा खिते दे मानसा दे किसानां दे हालात दसते हाँ जिथे नरमे की फसल पहलां तां उसनूं गुलाबी सुंडी खा गई ते हुण मीह दे पानी ने नरमे की फसल तकरीबन मार दिती है। पिंड छापेवाली दे नौजवान किसान सतवीर सिंह ने दस्या कि मीह पैण तों हफ्ता बाद भी इत्थे मीह दा पानी कई कई फुट खेतां दे विच खड़ा है नरमे की फसल खराब हो चुकी है। वाटर वर्कस का पानी जिहड़ा उह भी खराब हो चुकिया उहदे विच भी मीह दा पानी भर गया पीण योग नहीं रहा। डीसी नूं भी इन्हां समस्यावां नूं लैके मंग पत्र दे चुके ने पर हाले तक ना तां कोई प्रशासनिक अधिकारी ते ना ही कोई लीडर सियासी इत्थे पहुंचिया है। किसानां ने गिरदौरी करके 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की मंग की है। छापेवाली दे नाल लगदे पिंडां उडत अते रायपुर समेत होरां दे विच भी यही हाल है। सारे पानी भरिया पिया इधर भी पानी भरिया पिया जिहड़ी ये बहुत लंबी 2-3 किलोमीटर दे अंदर टक्कर है इथे बाजे आला उडत पिंड नाल लगदे आ उत्थों तक ये टक्कर लगी हुई है पानी दी पहला ये 2.5-3 फुट दे करीब सी हुण फुट तो 1.5 फुट पानी हजे भी खड़ा है। अज 30 तरीक हो गई हफ्ता हो गया मीह पए नूं इथे सरकार दा ना तां कोई नुमाइंदा आया ना कोई अफसर आया
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਨੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਬਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨੀ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਰਮਿਆਂ ਚ ਬਹੁਤ ਖੜਾ ਜੀ, ਫੁੱਟ ਖੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਂਹ ਪਏ ਨੂੰ, ਅੱਜ 30 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰ ਨੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ MLA ਨੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੌਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਾ ਹੈ ਇਹਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਣ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ, 2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ, 4 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਹ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਛਾਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਦੌਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ BJP ਦੀ ਵੀ ਟੀਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਨ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BJP, RSS, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨੀ ਚੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ 70% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦਾ ਰੇਟ 40 ਤੋਂ 45 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਹੁਣ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 25% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇਸਿਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਛੋਟ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ 25% ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਿਕਟ ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਿਆਇਤ 50% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਇਕਾਨਮੀ ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ
जा रहा, दस्तारा भी नहीं दित्तियां जा रही। इस दे रोस दे विच परवाना दी पत्नी दे वल्लों जेल दे बाहर धरना शुरू किया जाएगा। दरअसल बरजिंदर सिंह परवाना उही सिख नौजवान है जिसनों पिछले दिन ही जदों पटियाले दे विच शिवसेना अते सिखां दे विचाले झड़प हुई सी उदों गिरफ्तार किया गया सी। हाले तक जमानत नहीं मंजूर हुई है। किसानी मंगां नूं लैके सूबे भर दे किसानां ने नैशनल हाईवे जाम किए। किसानां ने कहा कि मंगां पूरियां कराउण दे लई धरने दित्ते जा रहे ने। किसानां ने पंजाब सरकार ते भी वादा खिलाफी दे इल्जाम लाए। सेंटर सरकार तां कहिंदे सारियां साडियां मंगां मन ही नहीं रही ते हुण पंजाब दी सरकार भी किनारा कर रही है। दिल्ली अमृतसर नैशनल हाईवे ते सरहंद विखे भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर दे बैनर हेठां किसानां ने जीटी रोड जाम कर दिता। इस तरह संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक दे वल्लों गुरदासपुर दे धारीवाल बाईपास ते धरना लाया गया। किसानां ने अपनियां मंगां नूं लैके आणवे इत्थे समें दे लई इत्थे चक्का जाम कर दिता है ते कहा कि जिन्ना चिर मंगां नहीं मन्नियां जांदियां धरना जारी रहेगा। किसानां दीआं मंगां ने कि लंपी स्किन बीमारी दे कारण किसानां दे पशु धन दे होए नुकसान दी पूर्ति जिहड़ी है उहदे लई मुआवजा दित्ता जावे। कच्चे वैटरनरी इंस्पैक्टरां नूं पक्के कीता जावे। गन्ने दे रेट ने जिहड़े 470 रुपए प्रति क्विंटल लागत मुल नूं मुख रख के तय कीते जाण। इसे तरह होर भी बहुत सारियां किसानां दीआं मंगां ने जिन्हां नूं लैके किसान धरनिआं दे उत्ते बैठे ने। हरियाणा तों खबर है जिथे किसान मंच दे सूबाई प्रधान ते कातलाना हमला करन वाले मुख मुलजमां दी गिरफ्तारी दी मंग नूं लैके मंच दे सूबाई प्रधान प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने बैड ते पै के स्थानक SP दफ्तर दे मूहरे धरना दिता। इस मौके हरियाणा किसान मंच ते होर किसान जथेबंदियां दे नाल जुड़े किसान वड्डी गिणती विच मौजूद सन। हमलावरां दी जल्दी गिरफ्तारी ना होण ते किसान जथेबंदियां ने तिखा संघर्ष विढ़न दी चेतावनी दित्ती। बुलेटिन दे विच हादसियां ते घटनावां दे नाल जुड़ियां कुछ खास ते वड्डियां खबरां तुहानूं दस दिंदे आं। सब तों पहली खबर अफगानिस्तान तों है। काफ़ी वड्डी खबर, वड्डा हादसा, वड्डी घटना, वड्डी वारदात इत्थे वापरी है। काबुल दे विच फिदाइन हमले दे विच 19 जने मार दिते गए ने। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल अते इस वक्त अफगानिस्तान दे विच तालिबान दा राज है। काबुल दे विच एक शिया बहुगिणती वाले इलाके विच स्थित एक सिक्ख्या संस्था दे विच शुक्रवार सवेरे हुए फिदाइन हमले दे विच 19 जने हलाक हो गए जबकि 27 होर जख्मी हो गए। तालिबान वालों नियुक्त किए एक बुलारे ने जानकारी दी। पुलिस के बुलारे खालिद जदरान ने दसिया कि दश्ती बारची इलाके दे विच तड़के ये धमाका होया। पीड़ितों दे विच इस विद्यक अदारे दे विच पढ़न वाले मुंडे कुड़ियां शामिल ने जो इत्थे यूनिवर्सिटी दाखला प्रीख्या की तैयारी करने लिए आउंदे सन। इस इलाके दे विच ज्यादातर अफगानिस्तानी घट गिणती शिया भाईचारे दे लोग रहिंदे सन। जदरान ने दस्सिया कि फिदाइन ने काज हायर एजुकेशन सेंटर दे विच वड़ के धमाका किया। एक वड्डी घटना इसनूं मन्निया जा सकदा है पूरी दुनिया दी क्योंकि सिक्ख्या संस्था दे विच इह धमाका होया ते अजकल विद्यक अदारियां दे विच लगातार अजिहे धमाके ने जिहड़े ओह हो रहे ने। अमरीका दे विच वी पिछले दिन ही अजिहा एक हादसा वापरिया सी। अगली खबर पाकिस्तान तो है जिथे बलोचिस्तान सूबे दे विच एक बाजार दे विच एक दुकान दे अंदर बंब धमाका हो गया। घट्टो घट 20 जने जख्मी हो गए। पुलिस की जानकारी मुताबिक जानी नुकसान तो राहत है। घटना बलोचिस्तान दे कोलू जिले दे एक भीड़ भाड़ वाले इलाके विच मठियाई दी दुकान ते वापरी। पुलिस दे सीनियर अधिकारी ने कहा कि कोलू दे मुख बाजार विच स्थित भीड़ वाले इलाके विच एक मठियाई दी दुकान दे विच धमाका होया। 20 जणियां दे जख्मी होण दी सूचना सारयां नूं हस्पताल दे विच दाखल करवा दिता गया। जम्मू कश्मीर तो खबर है जिथे बारामूला जिले दे विच सुरक्षा बलां ते अतवादियां विचाले होए मुकाबले दे विच जैशे मुहम्मद दे दो दहशतगर्द मारे गए। पुलिस दी जानकारी दे मुताबिक तड़के तड़के शोपियां ते बारामूला जिलियां दे विच इह मुकाबला शुरू हो गया सी जिस तों बाद दो जने मारे गए ने। कश्मीर दे ADGP विजय कुमार ने ट्वीट करके दस्सिया कि मारे गए दोवें दहशतगर्द जैश दे नाल संबंधित सन। ऑपरेशन काफी देर तक चलदा रहा। दिल्ली तो एक वड्डी खबर है जिथे होली फैमिली हस्पताल दे विच जामिया मिलिया इस्लामिया दे एक विद्यार्थी नूं एक दूजे विद्यार्थी ने गोली मार दित्ती। पुलिस ने FIR दर्ज कर लई है। पुलिस मुताबिक लंघी रात जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दी लाइब्रेरी दे विच विद्यार्थियां विचाले झगड़े दी सूचना मिली सी। पुछगिछ दौरान पता लग्या कि दो ग्रुपां दे विचाले झगड़ा होया सी। घटना दे विच UP दे मेरठ जिले दा रहण वाला नुमान चौधरी 26 साल दी उम्र सी। इस दे सिर विच गंभीर सट वजी। इलाज लई अपने दोस्त नुमान अली दे नाल होली फैमिली हस्पताल गया सी। इस विचाले दूसरे ग्रुप दा विद्यार्थी जलाल अपने दोस्तां दे नाल हस्पताल पहुंचिया ते एमरजेंसी वार्ड दे बाहर ही गोली चला दित्ती। अली दे उत्ते जख्मी होए अली नूं एम्स ट्रामा सेंटर भर्ती करवाया गया। पंजाब दे बरनाला जिले दे टल्लेवाल कस्बे दे विच पिंड बख्तगढ़ दे एक होर किसान ने कर्जे तों परेशान होके खुद
खुदकुशी कर ली है। सुरजीत सिंह पुत्र कपूर सिंह मध्यवर्गी परिवार नाल संबंधित किसान सी, कर्जे तो परेशान सी, जिस करके उसने गल विच फाहा लेके खुदकुशी कर ली है। किसान जथेबंदियां ने किसान परिवार का सारा कर्जा माफ करने की मांग की है। 10 लाख का मुआवजा और परिवार के एक मैंबर नूं सरकारी नौकरी की मांग की है। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच तुहाडे सब तो इजाजत चाहुंदे आ। तो सारे अपना ध्यान रखियो। धन्यवाद।